जय श्री कृष्ण। गीता धाम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। स्वागत क्लास सेवेंथ विषय विज्ञान अध्याय 13 गति एवं एवं समय क्लास वर्क में क्वेश्चन नंबर मैंने गति एवं समय जिसके अंतर्गत 16, 12, 20 को क्वेश्चन नंबर 7वां, 8वां और 9वां मैंने हल करवाया था। आज है क्वेश्चन नंबर 10वां। कोई कार 40 किलोमीटर घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है। इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी। देखिए, जैसे हमने कोई कार 40 किलोमीटर घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है, इसके पश्चात वह 7 किलोमीटर घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है, कार द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी। माना कि पहली कार की चाल, माना कि पहली कार की चाल 40 किलोमीटर घंटे और इसका समय है 15 मिनट। देखिए, माना कि पहली कार की चाल है 40 किलोमीटर हॉर्स यानि घंटा और समय 15 मिनट। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल दूरी बटा समय। देखिए, चाल दूरी बटा समय चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल इंटू समय बराबर दूरी। देखिए, चाल है 40 किलोमीटर चालीस
किलोमीटर एच इंटू 15 मिनट इसकी हो गई दूरी, 15 मिनट, 15 मिनट बराबर दूरी 40 किलोमीटर हॉर्स इंटू 15 मिनट बराबर दूरी। जैसे बराबर 40 × 15/60, जैसे हम ज्ञात करेंगे तो 40 × 15/100, जैसे हम ज्ञात करेंगे तो जैसे हम बदलते हैं h मिनिमम मिनट और सेकेंड, जैसे इनको बदलते समय हम इसको 60 से करते हैं, इसको भी 60 से करते हैं, इसको भी 60 से करते हैं, जैसे घंटे को हम जब बदलते हैं तो ऊपर से जब नीचे आते हैं तो हम 60 से गुणा करते हैं, जब इधर से जब हम ऊपर जाते हैं तो इसमें 60 का भाग देते हैं। 60 का भाग देने पर इसमें हम इसमें भी 60 का भाग देते हैं, इसमें भी 60 का भाग, इसमें 60 का भाग देते हैं। जैसे देखिए 15 × 60 और 4 का हमने भाग किया तो ये 10 भाग है बराबर। इसकी जो दूरी होगी, दूरी बराबर 10 किलोमीटर। उसके बाद जब हम अगला जब हम हल करते हैं फिर आता है हमने दूसरी कार, दूसरी कार की चाल, दूसरी कार की चाल बराबर 60 किलोमीटर घंटा और समय है 15 मिनट, 15 मिनट। तो हम चाल ज्ञात करेंगे बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय बराबर चाल इंटू समय बराबर दूरी, चाल इंटू समय बराबर दूरी। जैसे अब हम ज्ञात करते हैं 7 × 15/ जैसे हम ज्ञात करते हैं उसको भी हम ये 60 करते हैं, जैसे 15 को जब हम ज्ञात करते हैं 15 × 15 = 43, 43 = 45, 64 ये 4 बार गए। अब 4 को हम 60 में भाग देते हैं, जैसे 4 का भाग दिया 1 × 2 = 4, पीछे बचे 2 + 0, 1 × 2 = 2, 2 × 4 = 8, 8 × 12 = 16, 5 × 20, ये घटा है पीछे बचा 0, तो इसका आता है 15 किलोमीटर। क्या आया 15 किलोमीटर इसका है। तो कुल दूरी बराबर पहली कार प्लस दूसरी कार, पहली कार प्लस दूसरी कार, तो कुल दूरी होगी पहली कार गई 10 + 15, तो कुल दूरी
बराबर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर इसकी कुल दूरी होगी। इसका सही उत्तर होगा, सही उत्तर होगा इसका ख, 25 किलोमीटर।